हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडेंट चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह। यार जोसा 2023 के स्टूडेंट हो, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, तो यार देखो, जोसा की पहली मार्कशीट एलोकेशन हो गई थी। यार बहुत बच्चे बोल रहे थे, सर मुझे कोई कॉलेज नहीं अलॉकेट हुआ, तो इसका मतलब क्या है सर, मुझे कोई कॉलेज नहीं अलॉट होगा क्या? तो देखो स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मार्कशीट एलोकेशन होती है ना यार, एक टेंटेटिव अंदाजा दिया जाता है बच्चों को, पर इसका ना कोई भी रियल रियल एलोकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपको मार्कशीट एलोकेशन में सीट अलॉट हुई है तो आपको मिली जाएगी, और अगर आपको नहीं हुई है तो आपको आगे नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ एक मॉक, मतलब यार टेंटेटिव बोलो, मतलब कोई रियल नहीं होता। तो आप लोग इसके ऊपर इतना टेंशन मत लो। रियल जो होगा वो यार 30 तारीख के बाद से शुरू होगा, पहला जोसा काउंसलिंग होगा, तो उसके वगैरह टेंशन मत लो। अभी एक और मार्कशीट एलोकेशन होगी आपको कल, तो आप लोग क्या करो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे जैसे ही रिलीज हो मैं आपको अपडेट कर दूं और आप लोग को हर एक स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूं। स्टूडेंट काउंसलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम वगैरह रिजल्ट वगैरह सेकेंडरी होते हैं, पर कॉलेज लेना खुद के दम पर बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, आप लोग को गाइडेंस देता रहूंगा। वीडियो एंड करता हूं, थैंक यू।